बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सादिया कुकिंग लैब। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन टिक्का मलाई बोटी। उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्ची 1-1 टीस्पून मैंने ले लिए, इनको मैंने पीस लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है, 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून इसमें जाएंगे क्रीम, 2 टेबल स्पून चीज़, 2 टीस्पून लेमन जूस, कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून जाएगा, 2 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 किलो मैंने चिकन ले लिया है। हाँ, इसे अब मैरिनेट करती हूँ, इसमें सारी चीज़ें शामिल करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं दही शामिल करूंगी। लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च, बिस्मिल्लाह रहमान। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून क्रीम डालने लगी हूँ। लेमन जूस, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये सारे शामिल करूंगी। दो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीज़ शामिल कर ली है, इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी मैं। अब इसे मैरिनेट होने के लिए 1 या 2 घंटा रखूंगी, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने इसे 1 घंटे के लिए रखूंगी। फिर 1 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। इसमें 1 घंटे के लिए रखा था मैंने, अब इसे निकाल लिया है। तो अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालूंगी, बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह मिला लूंगी। अब 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी इसमें मैं। इसे भी अच्छी तरह इसमें मिला लूंगी। अब इसे मैं स्कीवर्स पे लगाने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने लगाना है, ये देखें। इस तरह आपने इस पे लगाते जाना है, इस तरह। इस तरह मैं सारे बना लूंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए मैंने सारे ना स्क्वायर्स में लगा लिए। अब इसे मैं थोड़ा सा मैं
बटर लगा लूंगी। ये देखिए, अब मैं इसे ऐसे रखती जाऊंगी, आंच आपने तेज रखनी है, 1 से 2 मिनट ज्यादा नहीं। फिर इसे मैं ऐसे ढक दूंगी, ज्यादा 1 से 2 मिनट तक ना, फिर हल्की आंच कर दूंगी आपने। अब देखिए इसे मैं चेक करती हूँ, इसकी साइज चेंज करती हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके साइड चेंज करके फिर से मैं ढकूंगी इससे, फिर 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे, यानी कि हाई तेज आंच कर दूंगी, उसको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट। ये देखिए, मैंने इसे हाई, यानी कि ऊंची आंच में ना मैंने इसे ऐसे की है। अब इसे मैं स्मोक देने लगी, ये देखिए ऐसे इसे रखूंगी, ठीक है, इसे इसके ऊपर ऐसे रखी जाऊंगी। ये देखिए, मैंने ऐसे कर लिए। अगर आपके पास कोयला है आप उससे उसके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे करूंगी आपकी आसानी के लिए। ये आग मैंने ऊंची कर दी है, हाई फ्लेम पर मैंने रखा है इसे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो हाथ से भी पकड़ के आप इस तरीके से ऐसे स्मोकिंग फ्लेयर दे सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है, ऐसे करें, इसकी साइडें ऐसे चेंज करते जाएं। तो आग पे भी आप, मैं आपको भी बताती हूँ कैसे करना है, ऐसे पकड़ के ऐसे आग पे भी। ये देखिए, मैं दूसरा चूल्हा ऑन करके आप बताती हूँ आपको। ये देखिए, आप आग पे भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है ऐसे कर सकते हैं आप, ये स्मोकिंग फ्लेयर सिर्फ देने के लिए। अगर कोयले नहीं है घर पे तो इस तरह कर सकते हैं, इसमें से खुशबू आए कोयलों की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितनी खूबसूरत चिकन टिक्का मलाई बोटी तैयार हुई है, जिसे मैंने डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को शेयर करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।